बाय सुधा। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है लेमन कोरिएंडर सूप। बहुत ही हेल्दी सूप है क्योंकि इसके अंदर हम कई वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छी हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसके लिए लिया है 3 मशरूम लिया है और ये 1 कैरेट है, 3 ही मेरे पास बेबी कॉर्न है और 1 अनियन है और थोड़ा सा मैंने कॉलीफ्लावर लिया है जिसको मैंने फाइनली चॉप किया। इसके लिए बहुत ही अच्छा आपके जो वेजिटेबल है वो चॉप होना चाहिए क्योंकि कोरिएंडर बेस है, इसलिए कोरिएंडर थोड़ा मैंने ज़्यादा लेके इसको कट किया हुआ है। और ये ग्रीन चिल्ली है हमारे पास जो कि मैंने एक बड़ी सी ग्रीन चिल्ली लेके उसको फाइनली चॉप किया हुआ है। साथ ही थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर हमने कैबेज लिया है, साथ ही हमारे पास जिंजर गार्लिक है जो कि मैंने बहुत छोटा छोटा इसको चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने लेमन जेस्ट लिया है बहुत थोड़ा सा, और ये मेरे पास है लेमन जूस जो कि मैंने 2 लेमन से निकाला है। और इसके साथ थोड़ा सा लिया है हमने ब्लैक पेपर, ये पाउडर है लेकिन कोर्सली बनाया हुआ है, बहुत मैंने इसको बारीक नहीं पीसा है। साथ में हमारे है ये सॉल्ट, अभी हमने 1 टीस्पून लिया है लेकिन हम अपनी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ करेंगे। और मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर भी, हम जितना हमको ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ कर लेंगे। इसमें डालने के लिए मैंने ये लिया है वेजिटेबल स्टॉक जो कि मैंने घर पर ही ये प्रिपेयर किया हुआ है, और इसको मैंने अभी 2 दिन पहले ही प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिया था। ये 2 दिन तक फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होता है। इसके बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मुझको ज़रूरत होगी ऑलिव ऑयल की, तो ये हमने ऑलिव ऑयल भी लिया है। अब हम अपना सूप स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं कि जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है हम थोड़ा सा इसमें वेजिटेबल स्टॉक डाल के इसको एक साइड रख देते हैं, फिर जितना भी हमको ज़रूरत होगा हम इसमें से उसको यूज़ कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर क्योंकि थिकनिंग एजेंट होता है, इसलिए जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी अपने सूप को थिक करने की हम उतना इसको डालते जाएंगे। अगर हमें सारी ज़रूरत होगी तो हम सारा ही डाल लेंगे, अगर सारी ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसको सारा नहीं डालेंगे। अब हमने अपना पैन थोड़ा हीट कर लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी क्योंकि ये सूप है, इसके अंदर हमें ज़्यादा ये ऑयल नहीं डालना है। अब जैसे ये थोड़ा सा गर्म होता है तो मैं इसके अंदर अपना ये सबसे पहले जिंजर एंड गार्लिक डालूँगी। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसके अंदर इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो थोड़ी सी हार्ड वेजिटेबल्स होती हैं पहले हम उनको डालना स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले इसको हमने फ्राई किया है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी वेजिटेबल्स को डालते जाएंगे। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसलिए थोड़ा थोड़ा सौते करते जाना है। अब ये मैं बेबी कॉर्न डाल रही हूँ, इसके साथ ही मेरा कॉलीफ्लावर है। अब ये मैंने अनियन डाला है, बिल्कुल छोटा सा मैंने एक अनियन लिया हुआ है वो मैंने इसके अंदर डाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसमें लहसुन मत डालिए। ये हमारा कैबेज है, अब हम अपना ये वेजिटेबल स्टॉक जो हमने लिया हुआ है इसको हम डाल देंगे।
अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें, क्योंकि मेरे पास इतने ही वेजिटेबल स्टॉक है, मैं थोड़ा प्लेन पानी भी डाल सकती हूँ अगर मुझे कम लगेगा तो। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं, इसको 4 मिनट हो गए हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमको। अब क्या करेंगे, हम इसमें अपना सॉल्ट डालेंगे। ये सॉल्ट ज़्यादा है, मैं सिर्फ इतना, ये छोटा स्पून है मेरे पास, इसको मैं 3/4 स्पून मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्ट, और ये मैंने 1/2 स्पून में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, थोड़ा मैंने इसके अंदर ये ग्रीन चिल्ली डाली है, और इसके अंदर कोरिएंडर थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि कोरिएंडर और लेमन बेस है इसलिए इसको ज़्यादा डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब ये थोड़ा मैंने लेमन इसके अंदर डाल लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी लगभग ठीक ही आ रही है, इसलिए हम ज़्यादा अभी इसके अंदर अपना कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे, और डालना भी होगा तो दोबारा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको डालती हूँ। और ये हमारा लेमन जेस्ट है, जो कि थोड़ा सा ये मैं इसमें डालती हूँ। अब हमारा लेमन कोरिएंडर सूप बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब हमारा लेमन कोरिएंडर सूप बिल्कुल तैयार है, ये रेडी टू सर्व है। क्योंकि सर्दियों में लोग सूप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए उस समय ये सूप बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमने वेजिटेबल्स डाली हैं। फ्रेंड्स अब आप एक बार हमारे तरीके से ये सूप बनाकर देखिए और सबको सर्व कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पर भी हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। जब तक हम नई रेसिपी लेकर आते हैं तब तक के लिए नमस्कार, थैंक।